माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही हो। मैं गई वहाँ पे, हम लोग व्लॉग करते हुए जा रहे थे, ठीक है। हम लोगों ने व्लॉग का कैमरा बंद किया जब हम एंटर हो रहे थे, ठीक है। और जब हम एंटर हुए उसके एक घंटा मैं और साथ बस बैठ के सामने ही देखते रहे हम, पता नहीं, वी वर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर, वी वर जस्ट लुकिंग एट इट। अरूप थैंक यू सो मच यार, अरूप ये इतना सारा मेकअप मेरे लिए लेकर आई है, माशाल्लाह माशाल्लाह। गुड मॉर्निंग गाइज एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल एंड टू अनदर अमेजिंग व्लॉग। आज मैं बहुत खुश हूँ, इनफैक्ट बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि अरूप और साथ बहुत अरसे के बाद वापस पाकिस्तान आ रहे हैं। बहुत अरसा तो मैं ऐसे कह रही हूँ, वाकई बहुत अरसा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं इनको गए हुए कितने दिन हो गए। आई थिंक इट वॉज जस्ट 10 days ट्रिप, फील ऐसा हो रहा है जैसे बहुत देर हो गई है। खैर आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि वो लोग वापस आ रहे हैं खैर खैरियत से, माशाल्लाह उमरा करके सऊदी अरेबिया से आए हैं, और हम लोग जा रहे हैं उनको रिसीव करने के लिए। मेरे साथ होंगे माँ बाबा और वरदा। मैं ज़रा रिफ्रेश हो गई हूँ, और वरदा को भी मैंने तैयार कर दिया था, लेकिन वो तैयार होकर सो गई है। अब चलते हैं और उसको उठाते हैं और फिर निकलते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी लेट हो रहे हैं। उनकी फ्लाइट लैंड होगी 5:45 पे, इन हमें 5 घर पर ही बच गए। सो लेट्स गो। वरदा यहाँ पे सो रही है। वरदा क्या हुआ मेरी जान, इसको मैंने यही कह के उठाया कि आनी को लेने जा रहे हैं। और वृद्धा ने एकदम सुबह, पता है वृद्धा उठी है और मैंने वृद्धा को कहा वृद्धा आनी आ रही है, वृद्धा ने ना ऐसे आंखें खोली, फुल नींद में थी, आंखें खोल के ऐसे ऐसे देखे कहाँ है, बहुत प्यार करती है उससे, इतना खुश होती है। हाँ मैं हमारी आनी और हमारे आनू बहुत पसंद है, बहुत दोस्ती है। सो गाइज वी आर ऑन द वे नाउ, हम इन्हीं की गाड़ी में उन्हीं को लेने जा रहे हैं क्योंकि साथ और रूप जब गए थे ना तो उन्होंने गाड़ी हमारे घर पार्क कर दी थी, तो अब हम उन्हीं की गाड़ी पर उनको लेके जा रहे हैं ताकि वो देखें कि हमने सही सलामत ही रखी हुई उनकी गाड़ी। झूठू बेबी रूम में मिलती है ना, वो यहाँ नहीं मिलती। ये मामा सदके बजे मेरे बच्चे, मेरे बच्चे का गला ठीक हो गया थोड़ा थोड़ा। लेकिन मामा ओ सारा कुछ अपडेट कर रही हूँ मैं आप लोगों को। अब हम लोग एयरपोर्ट के अंदर आ चुके हैं, आई थिंक यहाँ पे तो मुझे ये लोग कैमरा भी नहीं ऑन करने देंगे। वृद्धा बहुत हैप्पी क्योंकि वृद्धा की आनी और आनू दोनों आ चुके हैं। रूप का हमें मैसेज आया है कि हम लोगों की लैंडिंग हो गई है और हम लोग भी अब एयरपोर्ट। आई नो राइट, आपको पता है ये रूप का फेवरेट ड्रेस है वृद्धा का, इसीलिए मैंने इसको ये पहनाया है। मैंने कहा अरूप मिलके खुश हो जाएगी जरा, ऐसे खुश रहती। हाँ ये ऐसे खुश रहती है आजाद। आपको पता है क्यों खुश है कि मैं सोई उठी हूँ और मैं फौरन गाड़ी पे बैठी हूँ, हम लोग कहीं जा रहे हैं, इसलिए खुश है कि पौधा भी मिल गया। आनी इज कमिंग बेबी आनी, और मैंने भी तुम्हें देख लिया। माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही हो। नूर आ गया रूम उमरे का, ये कौन है? अस्सलाम वालेकुम, मैंने आपको नहीं पहचाना। स्वीट स्वीट, अरे तुम पहले से ज्यादा खूबसूरत हो के आई हो। बहुत बहुत मुबारक हो सारे। हाँ वो नहीं पहचान रही। तुम्हारा फेवरेट ड्रेस पहना के लाई उसको, इरदा को अपनी आनी का बैग बहुत ज्यादा फैसिनेट कर रहा है, वो कह रही है मैंने ये पहन के जाना है। लाई मामा पहना है आपको, मामा पहना है आप। सो गाइस हम लोग घर आ गए हैं सादर रूप को लेकर, और मैं आपको दिखाती हूँ कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। चॉकलेट्स कहाँ गई है, अभी यहाँ पड़ी हुई थी, ये देखेंगे अरू हमारे लिए इतनी मजेदार चॉकलेट्स लेकर आई है। थैंक्स जॉन। और तुम मेरे लिए क्या लेकर आई हो? मेरे लिए मेकअप। मेकअप लाई हो? नहीं मेकअप पर शौक है ना। डोंट टेल मी, दिखाओ प्लीज। वो उधर पड़ा है। अरूपी टेरियो तुम अरूप के लिए, सॉरी अरूपी टेरियो तुम अरूप के लिए लेकर आई हो, किसके लिए लेकर आई हो? विद्दू के लिए। विद्दू लाइक द टेरियो।
विद द चॉकलेट्स खा के उस वक्त से विद प्लीज ये हाथ यहाँ ना लगाओ यार प्लीज चॉकलेट्स में भी आई क्रिंज हो रहा है आपको देख के सुबह नहलाया था आपको विद इस पूरे बेड पे अगर इसको रख दिया जाए ना हमारे बैठने की जगह नहीं बचेगी है ना कितना क्यूटू है कैसे लाया तुम लोग वैसे साद ने कहा इसका साथ हमारे साथ रहेगा साद ने इसको अपने कपड़े निकाल के फेंके रखा क्यूट इसके लिए 40 kg वेट पे आना पड़ा तो गाइस अरूर मेरे लिए क्या गिफ्ट लाई है मुझे पता है कि आप लोगों को बहुत क्यूरियोसिटी हो रही होगी देखने के लिए लेकिन मैं आपको वो दिखाऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में अरूर को आपने उम्र की मुबारकबाद नहीं देनी नहीं क्यों पहले सवाल मैं पूछूंगा मेरी दुआ की थी क्या सबके लिए की थी फिर सबके लिए की थी बहुत बहुत मुबारक हो साथ दूर कमरे में बैठा हुआ चलो वो आपका भाई लग रहा है वाकई में वो इतना क्यूट लग रहा है कैसा लगा जब तुमने खाना काबा को फर्स्ट टाइम देखा बहुत खूबसूरत फला है ना ब्लैंक हो गई थी ना हो गए थे और मैं गई वहाँ पे हम लोग ब्लॉग करते हुए जा रहे थे ठीक है हम लोगों ने ब्लॉग का कैमरा बंद किया जब हम एंटर हो रहे थे ठीक है और जब हम एंटर हुए उसके एक घंटा मैं और साथ बस बैठ के सामने ही देखते रहे पता नहीं वी वर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर वी वर जस्ट लुकिंग एट इट ऐसा ही होता है वी वर जस्ट लुकिंग एग्जैक्टली और मैंने कोई दुआ भी नहीं की ना मैं दिल में कुछ सोच रही हूँ बस देख रही हूँ यहाँ से बंदा सोच के जाता है कि मैं ये दुआ करूंगा ये दुआ करूंगा तो मेरी ये दुआ कबूलोगी साथ में मेरे के साथ पहली दुआ क्या मांगोगे हम ट्रेन में थे जब तो कहता मैं ये दुआ मांगूंगा कि मेरी मरते दम तक सारी दुआएं कबूलो और बाकी लिटरली फिर भला क्या करे ये वाली बात लिखे ना कि आई वॉन्ट माई प्रेयर्स टू गेट एक्सेप्टेड टिल आई डाई ये वाली दुआ लिखा इन टू अरेबिक कहता अरेबिक में बोलूंगा अल्लाह ताला जल्दी कबूल अल्लाह को अरबी ज्यादा समझ आती है वंडरफुल एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ये मौका सबको दे सब मुसलमानों को दे ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड मैं दोबारा जाना चाहती हूँ अरूप थैंक यू सो मच यार अरूप ये इतना सारा मेकअप मेरे लिए लेकर आई है माशाल्लाह माशाल्लाह और ये सारे वो ब्रांड्स हैं जो आई लव ये है ये कौन सा लाई हो हॉलीवुड फ्लॉलेस फिल्टर तुमने वो वाली नहीं ली इसका है वो कौन सी थी एयर ब्रश इनकी फाउंडेशन ली है वो भी ली है हाँ. वो तुमने अपने लिए ली है हाँ. छोड़ के जाना मैं यूज़ करूँगी ठीक है अच्छा और ये हुदा के हमारे पास लिप ग्लॉसेस हैं और ये हमारे पास टार्ट के कंसीलर्स हैं नार्स का ब्रश है और ये शार्लेट की लिपस्टिक है एंड व्हाट एल्स डू वी हैव ये कुछ ग्लॉस और मस्कारा है and then we have this huda then we have this huda ki makeup palette ye ab iski pigmentation dikhao tum khareed layi lekin tumhe kholna na aaya tha do mujhe khul gaya dekha aise kare khul ja sim kaise shade hai aande pidi wo shade se dikhta acha tum ye tum apne liye kaun si layi ho apne liye maine dusri le li hai huda ki jo hai na gorgeous क्योंकि ये वो कलर था जो आप रूटीन में ना यूज कर इसमें न्यूट्रल भी है